झांसी रेलवे के डीआरएम ने हरपालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। गेटमैन से पूछताछ कर सुरक्षा का भी जायजा लिया। नगर में देर रात गुरुवार को झांसी मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मानिकपुर रेल खंड का निरीक्षण करने पहुंच गए। हरपालपुर पहुंचे डीआरएम ने संपार फाटक संख्या 38-9B का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान गेटमैन के ज्ञान की परख तथा इमरजेंसी उपकरणों के रख रखाव का जायजा लिया। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर अंधेरा होने के कारण उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करते हुए सूर्य ऊर्जा की रोशनी मरकरी लगाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है। इसके पुनर्विकास कार्य को देखने के लिए मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा स्टेशन प्रबंधक से जानकारी भी ली गई। साथ ही यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार और कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में उन्होंने यात्री सुविधा प्रवेश और निकास व्यवस्था का गहनता से निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के द्वारा आगामी महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने की तैयारी की गई है। उन्होंने एग्जिट और एंट्री मार्गों की स्थिति का भी जायजा लिया और मीडिया से अपने निरीक्षण की जानकारी साझा की। अगर चित्रकूट की बात करें तो आप काम की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और ये 1.5 महीने में ये कंप्लीट कर लेंगे सारे काम। और बाकी हम लोग यात्रियों का कैसे मूवमेंट होगा उसके बारे में हम लोग प्लान कर रहे थे। एंट्री एग्जिट और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। PRS भी एक नई तैयार हो रही है, उसको अलग से हम लोग कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी एरिया ताकि आपस में एंट्री और एग्जिट वाले जो पैसेंजर्स हैं आपस में क्रिस क्रॉस ना करें, दोनों सेग्रीगेटेड रहेगा, उसका ट्रैफिक मूवमेंट का प्लान हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। सारे काम मतलब कर लिए जाएंगे 1.5 महीने के अंदर। सर, एग्जिट और एंट्री वाले जो पॉइंट है वहाँ पर दिव्यांगों के लिए बड़ी अव्यवस्थाएँ हैं, चूँकि उनका पैर घुस जाता है और जो होती है हैंडीकैप वाले तो वो बड़ी दिक्कत होती है, उनके पैर घुस जाते हैं, कभी उनकी स्टिक घुस जाती है। काऊ कैचर जो लगा हुआ है जी, वो बंद हो जाएगा, नया लगेगा फ्रेश काऊ कैचर। जो एंट्री वाला है ना जी, फ्रेश काऊ कैचर लग जाएगा। यहाँ पर दो ब्रिज प्रस्तावित थे, फुट ओवर ब्रिज इस पार से उस पार को लेकर, उनमें भी कोई कुछ वो 12 मीटर के हैं FOB जो कि फुट प्लाजा वगैरह सारी रहेगा, तो वो मार्च 25 के बाद सब काम होंगे। मार्च 25 उसके टेंडर अभी हुए हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो अभी उस काम को हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ताकि एरिया और डिस्टर्ब ना हो। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी में हम लोग बेहतर करने की कोशिश। सर, अक्सर भीड़ भाड़ में समस्या देखी जाती है, जो फूड वेंडर होते हैं वो प्राइवेट पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाहर से लेकर बेचते हैं और मानक तय रेट से ज़्यादा बेचते हैं, तो इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी? क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ आएगी तो कैसे काम होगा इस पर रोकने के लिए? बाहर में बेचते हैं तो उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे रेलवे प्रमिसेस में उसकी कोई अलाउड नहीं होगा। अनऑथराइज वेंडर्स वैसे भी अलाउड नहीं होंगे, और जो ऑथराइज जो हमारे शॉप्स हैं ऑथराइज वेंडर्स हैं उनको तो जो ब्रांड दिया गया वही बेचने के अधिकारी रहेंगे।